नहीं बताया है, कार रूप में पूछा गया ये है, तो महाविष्णु से भी रूपों को पूछा है, इसलिए उसका एक दुर्गा सप्तशती केवल इतना ही नहीं है, वह तो कम से कम 7000 श्लोक हैं, इसमें तो केवल 700 मंत्र दिए हैं। सही रूप में दुर्गा सप्तशती तो पूरे 7000 श्लोक है उसके, मार्कंडेय पुराण को पढ़ेंगे तो पूरे श्लोक पूछेंगे, उसका कुछ टुकड़ा निकाल करके उसने दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया। और बहुत ही श्रुत और उसकी कहानी है, एक तरह से देखा जाए कैसे दुर्गा की उत्पत्ति हुई और कैसे दुर्गा ने चंद मुंड और रक्त बीजों को समाप्त किया, यह उसकी गाथा है। मगर उसके बाद भी उसका प्रत्येक मंत्र अपने आप में पूरा छोटी सी
ये थी, ये कोई बहुत बड़ी फिल्म राक्षस वाली हिसाब नहीं था जिससे मुझे क्रोध करना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े। मेरी व्यक्तिगत राय में ये जिसको डाकिनी कहते हैं और डाकिनी तस्वीर रखती और इसकी भी वो एक को ये निकाल देता तो दूसरी आ जाती, दूसरी को तीसरी आ जाती और ये निश्चय कर रखा था कि होली तक इसको खत्म कर देना है और समाप्त कर देना है। ये अच्छा हुआ यही है और इसके लिए बहुत बड़ा प्रयोग करने की जरूरत है, उनसे मेरे लिए प्रयोग करने की जरूरत ज़्यादा और यहाँ पर बात नहीं तो अपने आप में बहुत ही बहुत खतरनाक होती और खतरनाक कल्पना करो तो आप इसको कितना फोन निकल दिया हो और कितना और इसको प्रयोग करें कि मेरे ऊपर पूरे मंत्र प्रयोग करेंगी, मान प्रयोग करेंगी, हिमाचल प्रदेश की भाषा में भी। और दूसरा कोई भी अगर तंत्र का जानने वाला होता तो गारंटी के साथ बच ही नहीं सकता था जो ये मंत्र प्रयोग कर रही थी, बच नहीं सकता किसी को तांत्रिक तो बच नहीं सकता था। और वास्तव में ये बहुत ही अपने जीवन में बहुत बड़ी तांत्रिक रही होगी और मैं सोचता हूँ कि ये जहाँ तो मेरे लेवल की बात है ये तो शुरुआत में बाकी इससे अगर ज़्यादा ब्रह्मराक्षस होते हैं तो फिर क्रोध की मुद्रा से भी उनको निकाला जाता है, बाल छोड़ करके भी। और उसने केवल इसका ख्वाजा की आन दिए और इधन किया और बिना किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा किए राय में तो मेरे लिए तो ये शायद पहले दूसरी क्लास का था, इसलिए इतना अभी मुझे चिंता करने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात एक और बता दूं आपको फिर सुन कि कई बार ऐसे भी होते हैं कि ब्रह्म राक्षस किसी के शरीर में लग जाते और ब्रह्म राक्षस सीधा आके उस व्यक्ति का ही गला पकड़ लेते, घूम जाते शरीर को, उनको भी मंत्रों से तोड़ना पड़ता है और गिरण आखिर शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनको चाकू से उसके शरीर को आते आखिर शरीर को नुकसान किसी का होगा, हालांकि उसमें दर्द उसी को होता है और पानी भी अपने आप में ठीक तीर की तरह ही लगता है, कील भी अपने आप में उसको कलेजे पर उतने ही महसूस हो रही होगी और इसीलिए जब कील उसके लगी तब वो घबरा करके सामने वापस मंत्र प्रयोग प्रहार करने लगी, इस मंत्रों का प्रहार, इसलिए वो वापस मंत्रों का प्रहार कर रही थी और तीव्र मारण प्रयोग कर रही थी। तीव्र मारण प्रयोग का मतलब एट स्पॉट खत्म हो जाए वो मारण प्रयोग, और हिमाचल प्रदेश का ये हाइएस्ट प्रयोग होंगे ये मारण प्रयोग, ये मैं बताता हूँ हिमाचल नहीं तंत्र में भी बहुत हाइएस्ट प्रयोग है ये जो ये कर रही थी, तंत्र के क्षेत्र में भी जो ये बोल रही थी वो भी हाइएस्ट प्रयोग, इतने तीव्र प्रयोग हैं कि अच्छे से अच्छा मार के भी तुरंत उसका कलेजा फट जाता है, वो खाती पीती खून पी लेती है, उस लेवल का प्रयोग कर रही थी। इसकी तरफ से तो वैसा प्रहार था, मैं सोच रहा था कि ऐसा प्रहारात्मक रूप से नहीं निकाला जाए, उसमें भी मंत्री ख्वाजा साहब के मंत्र के अगर मैं उसको ज्यादा उछाल का ज्यादा खेलता तो कूदती उसको लगता है जितनी ज्यादा कूदती तो गिरती तो उसका सिर पे हाथ के दोस्तों से लगती है बाद में देती है, इसलिए मैं केवल उसको उतना उत्तेजित करना चाहता था जिससे कि वो वापस प्रहार करने लग जाए बच्चों, तो मैं देख लूँ उसकी प्रहार भी क्या है, जब ये लिमिट मालूम पड़ जाती है कि उसकी प्रहार में तो उसके ऊपर का हिस्से का मंत्र पढ़ खत्म कर देना है बच्चों, इतना ही ये तो सिर्फ छेड़ने वाली बात है कि छेड़ने से वो किस लेवल से आक्रमण कर रही है या आक्रमण करता है, जब उसको मालूम पड़ जाएगा ये आक्रमण का लेवल है उसके ऊपर का मंत्र पढ़ सकते ये सीधी तांत्रिक और तंत्र की लड़ाई में न उत्तेजित हुआ जाता है न उत्तेजित होना चाहिए, उत्तेजित किया जाता है, अगर उत्तेजित नहीं होती तो फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, इसलिए
जब भी मैं ख्वाजा साहब का मंत्र पढ़ता या ख्वाजा की लाइन को बोलता तो ये बहुत ठीक थी मूल का। खैर भविष्य में इसको तकलीफ किसी प्रकार की होगी नहीं, न चिल्लाएगी न चीखेगी न होगी। कई बार ऐसा होता है कि वहां से उतर कर दूसरी जगह चली जाती है, सामने वाले बैठे किसी व्यक्ति की चली जाती है और पता ही नहीं पड़ता। ये जो मैंने पानी की धार दी थी मंत्र से, इसका मतलब है कि इस साइड या इस साइड जितने लोग बैठे हैं यहाँ कहीं पर भी उसका प्रवेश नहीं हो सकता, सीधे निकलना ही पड़ेगा और उसमें कीड़न नहीं, मतलब उस लकड़े में कीड़न हो जाए, उसका वही बंद जाए। इस समय वो जमीन के अंदर कीड़न में, ये मतलब उसमें कहाँ है। बहुत अपने आप को 30 मास की समझे तंत्र, वो भी फट के मर जाते हैं। बाहर जो करे थी वैसा करे है, मगर एक बात दूसरी बात है, ये कीलन प्रयोग अपने आप में इतना होता है कि ब्रह्म राक्षस को भी उस लकड़ी में आप कील सकते हैं और कील करके फिर वो जिंदगी भर कम से कम 8 साल की अवधि होती है। अब उस दया जाए तो मुक्ति कर दे तंत्र के दिन में। मगर मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे काम करता हूँ, यदि आप सोचते हो कि किसी को भूत पे लग जाए तो तुम जोश पर आप नहीं लाए, क्योंकि आप देखे गुरु जी ने ऐसा किया था नाम को। मगर मैंने कहा कि वो तो अपने आप को बड़ी 20 मार्च में समझती होगी, बहुत कोई लंबी छोटी बात मुझे करने की जरूरत पड़ी नहीं। राजा मंत्र अपने आप में इन मामलों में बड़ा तीक्ष्ण मंत्र होता है, राजा साहब की दुआई भी अपने आप में तीक्ष्ण होती है। और अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, इसलिए ख्वाजा साहब की दुआई जाती है। और अब वो किसी प्रकार से दुआ क्या कि इसने किसी गर्भ की रक्षा कर दी तो वो उसको बच्चे मिल रहे थे, कच्चे बच्चे मिल रहे थे और वो खा रहे थे, ऐसा हो जाता है। कहीं का सामना पड़ जाए या फिर उससे तो क्रोध होने की जरूरत नहीं है, उसको क्रोधित करके उसकी रेंज मालूम कर लेनी चाहिए कि वो किस रेंज पर आप प्रहार करती है बस, और जिस रेंज पर प्रहार करे उसके ऊपर की रेंज पर उसको काबू कर लेना चाहिए। कितना सीधा अटैक वाली बात है, थोड़ा सा समझने की बात है। इसलिए मुझे मालूम था कि ये वजह साहब के आय से समाप्त हो जाएगी, हालांकि वो भी वजह साहब की आय भी काफी ऊंचे स्तर की होती है, बहुत ही ऊंची स्तर की, उसको सिद्ध करना पड़ता है वजह मंत्र को। जैसे हमारे हनुमान जी और देवी और बगलार हैं, ठीक उसी प्रकार मुसलमानों में भी इतने उच्च कोटि के पीर हैं जिनको ख्वाजा साहब कहते हैं और कई प्रकार के और भी जिनका दुहाई दी जाती है, जिनके मंत्रों का जाप किया जाता है, जिनके आयतों को सिद्ध किया जाता है, और इस मामलों में वो बहुत अधिक उपयोगी होती भी है। और वो ख्वाजा साहब का जो मंत्र है वो करीब 8वीं स्टैंडर्ड तक का है, 10वीं का नहीं, EAMA की तो फिर और आगे की चीजें हैं, वो भी इससे ऊंची किस्त की चीज़ें। कई बार मैंने कहा कि ऐसे ब्रह्मलाक्ष आते हैं कि एक साथ 4-5 होते हैं, सीधा गला पकड़ लेते और उसको मरोड़ के खा लेते हैं, 3 सेकंड लगते हैं। अब हो सकता था इसमें वो इतने लेवल की भी होती, सीधा गले पे अटक कर लेती मेरे, ऐसा हो सकता था। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरा सावधान था, मैं अपना अपने माला वाला से लेके आया, मुझे जरूरत पड़ेगी इसका यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कुछ कुछ इतना दिक्कत नहीं होने की। अगर कोई MA PhD पास और उसको कहे 8वीं क्लास को पढ़ा उसके लिए वो कोई खास महत्वपूर्ण बात नहीं है, मगर वो भी प्रहारात्मक बहुत बहुत ठीक से प्रहार और वास्तव में तो बहुत दमखम थी। अभी भी अगर उसको किरण नहीं किया जाता और ख्वाजा मंत्र उसको बांधा नहीं जाता तो वो नहीं जाती। वो तो इस समय तो मैं आपको रस्सी से बांध करके रख दूँ तो आपकी क्या हालत होगी, अब आप तो कसमत आएंगे और अंदर फड़फड़ाएंगे, गुस्सा आएंगे सारा, थोड़ा मुझे छूट ले लेकिन बताऊँ, ऐसा होता है ना सीधा, मतलब होता है कलेजे पर सीधी चोट की जाए। तो कत्या प्रयोग कर लेते हैं, कई तांत्रिक तो ऐसे होते हैं जिनको कत्या आ जाती है, कत्या तो आदमी कतल कर लेते टुकड़े कर लेते 3 सेकंड, उसमें थोड़ा सोच लेती हूँ। इसलिए ये इंद्राक्षी माला एक मुखी से 21 मुखी तक इसमें बन के, 1 मुखी 2 मुखी 3 मुखी 4 मुखी 5 मुखी, तो ये माला तो ऐसी कोई कत्या प्रयोग हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो रक्षा के लिए इसको यूज करेगा, कुछ मुख चीज़ों के लिए इसका यूज करेंगे नहीं, क्योंकि लाख रखा था चिमटा भी लाख रखा था।
सही है ना सही ना क्या आपका चिंता का प्रयोग यह कि अगर वो कोई बहुत ही बदमाशी पे उतर जाए विकास होते हैं बदमाशी उतर जाए शांत कर लेते हैं आपको बहुत लेते हैं पूरा ऊपर हावी हो जाता है हाँ जोर बताते हैं सांस खत्म कर जहाँ से मतलब तीरना नहीं तीरना तो बहुत गद्दिया लोग पीते हैं मार मार के बेचारे कर मेरा खत्म नहीं वो तो जावेद नहीं जाए वहाँ उसका शरीर तो कितना रहता है ये तो घटिया लोगों की जिनके पास बहुत अपने आप में शालीन व्यक्ति होगा साधु बहुत शुद्ध होगा तो ये घटिया उसमें तो मार पीट करने नहीं होगा पानी से भी खत्म कर सकता है कि वो उसमें तो बहुत आगे की चीज है जो दंड की तो बहुत जो सुनिया जीवन का वो दंड का नहीं था उस जीवन का उदय है ಸಾಧೂರೆ ಆ ಮಿತ್ರಶ್ಚಾಣ ದ್ರಕ್ಷಾ ಸೂಣ ಸಾಧಾರಸೋ ಮಾರುತೌ ಜಗ್ನೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ತವಾಂಶ ಪ್ರಘಾ ಸೀ ಚ ಸಾಂತಪಾನಶ್ಚಾಗ್ರಹ ಮೇಧೀ ಚ ವೀಡೀ ಚ ಸಾಖಿ आगे होते हैं पीछे वाले भी बिल्कुल करते भाई ಕಾರ್ಯ 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 ಕಾರ
ओम राजा विराजाय श्रेयसाहिने नमो वयं वैतृणाय कृमहे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैष्णवो दातु सुबेराय वैष्णवाय महाराजाय हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेश्यम राज्यम महाराज्यम महाराज मार्गिपति साधा साधन तपरा प्रसिद्ध समुद्र पर्यंतायाम कराड़ी तदप्य श्लोको लिखित मरुता पदवेस्तारो मृतस्याशूरे आवीक्षित काम प्रेर विश्व देवा सदा सदा ओम चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिश्च भूयतेज प्रदाभ्याम तस्मै वद्यात्मने नमः तमेव माता आत्मा शरीर
पूजा देवियो भोगदानि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करोम तद्दिगम संभोगोत्तमाः ओम जय गुरु सतगुरु महाराज की।